जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ऑरा स्कैनर से जो है हम घर में जो टॉयलेट होती है उसकी जो है रेमेडीज कैसे करते हैं। वैसे तो ये आपको पता ही है कि महावास्तु के अंडर में भी आता है ये वर्क कि हम टॉयलेट की रेमेडीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे इसको सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन ऑरा स्कैनर में थोड़ा सा और डीपली हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले जो है उस जगह की हम पहले पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है, इसको फाइंड आउट करते हैं। सेंटर को भी हम इससे पता कर सकते हैं और स्कैनर के थ्रू कि हमारा सेंटर कहाँ पर है घर में, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है टॉयलेट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, फिर इस टॉयलेट की पॉजिटिविटी कितनी है, नेगेटिविटी कितनी है उस जगह की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम जब इसकी टॉयलेट को हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें नेगेटिव, वैसे टॉयलेट में ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी होती है और यदि गलत जगह पर बना हुआ है तो 100% नेगेटिविटी हो ही जाएगी, उसके बावजूद भी जो है ऑरा हमें जो है उसे पॉजिटिव बनाता है, हमें बताता है कि कैसे उसे पॉजिटिव करना है। और इसके लिए हम जो है उसे फिर उससे पूछा जाता है कि इसमें कौन सी जो है, जैसे बार चार्ट का आपको पता है कि बार चार्ट के अकॉर्डिंग हम जो है महावास्तु में देखते हैं कि कौन सी स्ट्रिप इसके लिए जो है ज़्यादा बेनिफिट होगी, तो ऑरा स्कैनर के थ्रू ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी स्ट्रिप या कौन सा टेप जो है हमारे लिए जो है बेनिफिट रहेगा इस टॉयलेट में। और इसके अलावा इसके बाद जो है जब हम टॉयलेट को ब्लॉक कर देते हैं टेप से या स्ट्रिप से, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल बॉल लगाई जाती है, साथ ही में यहाँ पे जो है एक जो है बागुआ मिरर लगाया जाता है यिंग यांग का, जो कि इसके जो है ब्लॉक करने के बाद इसको जो है पॉजिटिविटी देता है, इसकी शक्ति को बढ़ाता है। और उसके साथ ही जो है यहाँ पे ऑरा बूस्टर सेल लगाए जाते हैं। तो ये दो तीन रेमेडीज करने के बाद फिर ये परफेक्टली आपका टॉयलेट जो है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और हम उसके बाद फिर ये सब वर्कआउट करने के बाद फिर हम जो है उसको चेक करते हैं उसी ऑरा स्कैनर से, उसको दोबारा चेक करते हैं कि ये रेमेडीज करने के बाद अब हमारे यहाँ की जो है नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी कितने परसेंट है। और आप जो है जब इस चीज को आप अपने सामने आप देखोगे तो वो जो नेगेटिव चीज है वो आपकी पॉजिटिव बन चुकी होती है, और स्कैनर जो है उसे 100% पॉजिटिव बताता है। ये सारा जो कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ ये आपका क्लासेस का कंटेंट है, क्लासेस में ये सब समझाया जाता है कि कैसे हम किसी की टॉयलेट की रेमेडीज को चेक करेंगे नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और जब वो नेगेटिव है उसकी फिर हमने रेमेडीज कर दी, रेमेडीज करने के बाद फिर हम जो है उसको दोबारा चेकआउट करते हैं कि अब इसकी एनर्जीज कितनी है, पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है। तो वो पॉजिटिव तो 100% होती है, नेगेटिव वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये हाथों हाथ आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है, और ये केवल पॉसिबल किसके थ्रू है, ये पॉसिबल है आपके इसके ऑरा स्कैनर के कोर्स के थ्रू। तो जो कोई भी इस कोर्स को करना चाहता है वो जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये आपका जो है 8 तारीख से स्टार्ट है, 8 नवम्बर से। वैसे ये कंबाइंड कोर्स चल रहे हैं, आपको पता ही है कि 4 अगस्त से लेके और 9 नवंबर तक जो है आपके कोर्स स्टार्ट हैं, जिसमें सारे कोर्स आपके हैं, न्यूमोलॉजी का, सेल्फ रियलाइजेशन का, महावास्तु का, एस्ट्रो वास्तु का, ऑरा स्कैनर का, ये सारे कोर्स इसमें इंक्लूड हैं। इसके अलावा कोई सिंगल में अगर ऑरा स्कैनर करना चाहता है तो उसके जो है 8 और 9 तारीख को इसका बैचेस लगेंगे। तो कोई इसे ज्वाइन करना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दे रखे हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। जय श्री कृष्ण।